मूवी बहुत अच्छी है। ये आजकल के जितने लड़के हैं, नौजवान पीढ़ी है और हमारे माँ बाप जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते, बच्चों को सिर्फ पैसे दे देते हैं, जाओ खाओ पियो ऐश करो, पर उनका देखना चाहिए वो पैसे कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो मैं तो कहता ये मूवी हर एक स्कूल कॉलेज और जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिखाना चाहिए। ये पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, बॉम्बे की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है। आज हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, जनरेशन ख़राब हो जाएगी, हम कहीं भी नहीं जा सकते। ये मूवी बड़ी अच्छी बनाई है जिसने भी, और इसको अगर टैक्स फ्री किया जाता तो और बढ़िया होता, सारे ज़्यादा लोग देख पाते। वेल डन, गुड जॉब डन, थैंक यू। मेरा व्यू ये है, मैं तो अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, मेरा तो देख के दिल रो रहा है। जिस जगह पे हम पढ़े लिखे बड़े हुए और ये जगह का ये ऐसा हाल हो रहा है, मैं चाहता हूँ माई पंजाब टू डू वेल एंड आगे से फिर से पंजाब में रैली आए, दूध की रैली, ग्रीन रेवोल्यूशन वंस अगेन कम। दिस मैनेस इज़ टू बी क्रप्ड एंड इज़ टू बी स्टॉप्ड बाई ऑल एवरीबडी इन आवर इंडिया। थैंक यू सर, 10 out of 10। जी बहुत बढ़िया मूवी है एंड इट हैज़ अ ग्रेट मैसेज। सबको ये मूवी देखनी चाहिए बिकॉज इस मूवी का जो मैसेज है वो काफ़ी डीप है। इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी एंड इट्स अ ग्रेट मूवी एक्चुअली। जी एक्टिंग काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने, काफ़ी बिल्कुल कैरेक्टर को आप अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया जैसे रियल लाइफ में होता है एंड दे हैव रियली लिव्ड अप टू द ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। जी ये रियलिटी है एंड सच कड़वा होता है एंड जो ये है उन्होंने सही दिखाया है एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हम इसे रोकें ताकि अपने पंजाब का नाम या पूरे देश का नाम रोशन कर सकें। 10 on 10 है मूवी, वाज सुपर। उसमें काफ़ी अच्छा मुझे लगा आलिया भट्ट का एक्टिंग एंड शाहिद कपूर का। आलिया भट्ट जो गांव के लड़की बिहार के बिलोंग करती है उसका एक्टिंग वाज सुपर। ऑब्वियसली आलिया भट्ट और शाहिद कपूर का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ मैं, तो मैं 10 में 9 तो ज़रूर देना पसंद करूँगा मैं। फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है और जिस तरह से प्रमोट किया है आज पुलिस की भी हर जगह सेटिंग लगी, आपने देखा होगा सारे पुलिस भी हर जगह आ रहे हैं और मुझे तो फिल्म अच्छी लगी और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। शाहिद ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, आलिया ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेकिन करीना जी का रोल बहुत अच्छा है। अमेजिंग फिल्म है और वर्थ है, फिल्म चलेगी। मुझे मेकिंग वाइज और जो रियल जो अभी चल रहा है प्रेजेंट जो हालत है पंजाब की तो बहुत बुरी हालत है, तो ये जो कदम उठाया है डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने और बालाजी ने ये बहुत ही अच्छा कदम है। शायद इससे बहुत सारे यंगस्टर्स बच जाए कि ड्रग्स के माफिया में जो फंस रहे हैं, कि पूरा पंजाब डूबता जा रहा है और एक बहुत अच्छी पहल है बालाजी की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बेस्ट मूवी, बहुत अच्छा लगा। मैं 10 में से 10 दूंगा क्योंकि एक आम आदमी को एक युवा को बचाने के लिए ये मुहिम उठाई गई है, तो डेफिनेटली पंजाब को बचाने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ के पूरे देश को बचाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पंजाब में नहीं ऑल ओवर हो रहा है, तो ये माफिया जो है ड्रग्स का इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और शायद ही इस बार इलेक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा बहुत, इस फिल्म से बहुत फ़र्क पड़ेगा एंड ये जो अकाली दल जो कर रही है वहाँ पर ये ख़त्म होना चाहिए। मूवी बहुत अच्छी है, आई लाइक द मूवी वेरी मच। शाहिद की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। आलिया भी शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। मैं तो 10 out of 10 दूंगी। मूवी बहुत अच्छी है और यंग जनरेशन के लिए जो है आजकल बच्चे ड्रग्स वगैरह इन सबसे आदमी को लगता है ना कि ये इन चीज़ों के लिए ये है कि क्या अच्छाई बुराई है वो सब ठीक सामने आया थी। नहीं ऐसा नहीं है, अब पंजाबी बंदे तो बिंदास होते हैं जी, अब तो ठीक है। हम लोगों का तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोलना तो हम लोगों के बराबर में जलता ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको लाया गया है, मैं 10 में से 8 लूँ। मूवी अच्छी है, शाहिद कपूर का काम अच्छा है, ये ड्रग के बारे में बताया लेकिन इतना नहीं है जैसे बहुत रोला पड़ा हुआ है कि भाई ये फिल्म जो है इसमें ड्रग का है ये है। शाहिद कपूर का काम बहुत अच्छा है, 10 में से 6-7 तो देना ही चाहिए इसको। किरदार तो काफ़ी अच्छा निभाया दोनों ने, एक्टिंग बहुत अच्छी की है और मेरे हिसाब से सबको देखना चाहिए इसको एक बार। 10 में से एक्टिंग वाइज तो मैं सबको 8 या 9 मार्क देना चाहूँगा। और फिल्म एक्चुअली इसलिए देखना चाहिए कि ड्रग्स के ऊपर है तो लोगों को भी पता चले कि कॉन्शियस स्टेट में क्या होता है कैसा होता है, और काफ़ी लोग एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स के लेकिन छोड़ नहीं पाते, छोड़ने के लिए कोशिश करते, तो जो लोग नहीं करते ड्रग्स तो इससे दूर ही रहे, उसके लिए देखना चाहिए। अच्छी लगी मूवी लेकिन जो फर्स्ट वाली जो थी वो इससे बेटर थी,
लेकिन लास्ट की जो 15-20 मिनट्स एक्सेलेंट थी।